वेलकम यू वोल, आई एम रोहित फ्रॉम महाजन ट्रेडर। सो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे गेल इंडिया लिमिटेड की और इसके डिविडेंड की, और साथ ही हम बात करेंगे एक ऐसे शेयर की भी जो एक्चुअल में यहाँ पर ₹27 पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड देने जा रहा है। तो वीडियो को एंड तक देखना, और अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां पर बैंक निफ्टी और निफ्टी की काफ़ी कुछ अपडेट्स आपको मिलने वाली है, जाकर एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। तो यहां पर आप देख सकते हो गेल इंडिया लिमिटेड में हमने कल कुछ इंपॉर्टेंट लेवल आपके साथ शेयर किए थे। उन लेवल्स में मैंने क्लियरली कह दिया था कि यहाँ पर एक डिसाइडिंग कैंडल होने वाला है, आज का दिन यानी एक डिसाइडिंग डे होने वाला है, या तो ब्रेकडाउन आएगा या फिर ब्रेकआउट आएगा, और स्टॉक में आ जाया ब्रेकडाउन और एक गिरावट एक कंटिन्यू हो सकती है। काफ़ी बड़ी मुसीबत यहाँ पर शेयर होल्डर्स के लिए आ गई है। 106.70 रुपीस के अराउंड स्टॉक अगर आप देखोगे तो हमें क्लोजिंग देता हुआ नज़र आया है। 1.55 रुपीस के अराउंड यहाँ पर स्टॉक में हमें गिरावट नज़र आई 1.43% के बेसिस पे, और ये गिरावट कंटिन्यू भी हो सकती है। यहाँ पर अगर बात करोगे तो 5 दिन के अंदर अंदर शेयर 15 पैसे के अराउंड गिर चुका है, 0.14% के बेसिस पे गिरावट है। और यहाँ से अगर मैं ट्रेड लाइन बनाता हूँ तो स्टॉक में बिल्कुल एक प्रॉपर ब्रेकडाउन हमें नज़र आ जाता है। ऊपर से आप देख सकते हो 2 बार ऑलरेडी रिजेक्शंस हमने फेस किए हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हो स्टॉक में ब्रेकडाउन आया और यहाँ से एक फॉल कंटिन्यू हो रहा है। तो क्या ये गिरावट रुकेगी या फिर ये गिरावट कंटिन्यू होगी, आगे मैं बताऊँगा। तो यहाँ पर आप देखोगे तो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट मैं बता देता हूँ, यहाँ पर इस ट्रेड लाइन पे सपोर्ट ये ले सकता है, यानी यहाँ तक तो गिरावट आएगी ही, क्योंकि यहाँ से आप देखोगे तो स्टॉक में पहले भी एक डबल बॉटम टाइप पैटर्न क्रिएट हुआ था। इसके ब्रेकआउट के बाद शेयर ने शानदार रिटर्न दिए थे, और यहाँ पर एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर लेवल पे सस्टेन कर सकता है या फिर ब्रेक कर सकता है, और सिर्फ 35 पैसे तक ही ये स्टॉक बढ़ पाया है। साथ ही हम बात कर ले तो लास्ट 6 मंथ में स्टॉक में क्या देखने को मिलता है, तो लास्ट 6 मंथ की अगर मैं बात कर लूँ तो ₹12.55 के अराउंड आप देख सकते हो स्टॉक में यहाँ पर हमें बढ़त देखने को मिल जाती है। वही आप देखोगे स्टॉक में यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नज़र आता है, और यहाँ से एक रिजेक्शन भी नज़र आता है, यहाँ से रिजेक्शन है 2 बार, और यहाँ पर सपोर्ट भी स्टॉक में नज़र आ जाता है। तो यहाँ पर अपसाइड डाउन मोमेंटम अब चल रहे हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। और यहाँ पर बात कर लेते हैं वॉल्यूम की, तो स्टॉक में जो वॉल्यूम है 1 करोड़ के अराउंड तक का हमें देखने को मिल जाता है, यानी हाई वॉल्यूम के साथ शेयर्स को उठाया भी गया है और काफ़ी लोगों की ओर से स्टॉक को यहाँ पर बेचा भी गया है। वही बात कर ले एस्ट्राडे की, तो एस्ट्राडे में हमें 1 करोड़ के अराउंड तक का ट्रेड वैल्यू और 75 लाख के अराउंड तक का कॉम्बिनेंट डिलीवरी देखने को मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ बड़े फर्म्स हैं जिनकी ओर से कुछ अच्छे टारगेट्स दिए जा रहे हैं, जैसे शेयर खान की अगर मैं बात कर लूँ तो उनकी ओर से बाय करने के लिए कहा जा रहा है गेल इंडिया लिमिटेड को। और टारगेट की बात कर ले तो 128 रुपीज़ के अराउंड तक का टारगेट यहाँ पर गेल इंडिया लिमिटेड में दिया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्टॉक में मोतीलाल ओसवाल की, तो मोतीलाल ओसवाल की ओर से भी यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा टारगेट दिया जा रहा है गेल इंडिया लिमिटेड में, 125 का ही टारगेट है, और यहाँ पर बाय करने के लिए कहा जा रहा है। तो ऐसे 2 बड़े फर्म्स हैं जिनकी ओर से यहाँ पर पॉजिटिव रेटिंग हमें गेल इंडिया लिमिटेड में देखने को मिलती है, और यही अगर देखोगे तो कल के लिए काफ़ी लोग इसमें पॉजिटिव भी नज़र आते हैं, जिसमें 80% लोगों की ओर से स्टॉक में बाय करने के लिए कहा जा रहा है, 20% लोगों की ओर से स्टॉक में यहाँ पर सेल करने के लिए भी कहा जा रहा है। साथ ही हम बात कर ले तो स्टॉक में आप देख सकते हो अगस्त के महीने में यहाँ पर हमें डिविडेंड मिला था 2022 में, फिर उसके बाद चले 2021 में, तो 2021 की अगर मैं बात कर लूँ तो अगस्त में यहाँ पर हमें कोई डिविडेंड नहीं मिला, बट वही अगर हम पहले की बात कर ले तो 2019 में आप देख सकते हो डिविडेंड मिला है, 2018 में देख सकते हो डिविडेंड मिला है, मैं बात कर रहा हूँ अगस्त के महीने की। तो यहाँ पर आप देखो और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2015 की बात कर लूँ तो यहाँ पर अगस्त में डिविडेंड, अगर साल में यहाँ पर गेल इंडिया लिमिटेड अगर बोनस देता है 2 से 3 बार तो अगस्त में बोनस कंफर्म यहाँ पर मिल ही जाता है। तो 2023 में अगर देखा जाए तो अभी सिर्फ एक ही बारी बोनस मिला है, तो हाईली चांसेस है, और कई लोगों का कहना है कि यहाँ पर हाईली चांसेस है कि अगस्त के महीने में यहाँ पर डिविडेंड हमें मिल सकता है। अब बात कर लेते कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स की, तो यहाँ पर लेवल्स में अगर आप देखोगे तो स्टॉक में बन रहा था एक राइजिंग वेज टाइप पैटर्न, यहाँ पर इस राइजिंग वेज टाइप पैटर्न में नीचे से आप देख सकते हो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको नज़र आ जाता है, ऊपर से आप देख सकते हो स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन भी हमें नज़र आ रहा है, और आज एग्जैक्टली वही हुआ। स्टॉक में जो लेवल का हम वेट कर रहे थे कि इस पॉइंट से हमें एक
गिरा, एक बढ़त देखने को मिल सकती है, एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, बट यहाँ पर वैसा नहीं हुआ। शेयर ने इस पर्टिकुलर ट्रेड लाइन से लिया एक रिजेक्शन और डबल कंफर्मेशंस थे हमारे पास। यहाँ पर आप देखोगे एक कैंडल थी जहाँ से एक ट्रेड लाइन है जहाँ से रिजेक्शन कई बार मिले हैं, और साथ ही अगर आप देखोगे और एक कैंडल बनी एक राइजिंग वेज टाइप चैनल की, तो राइजिंग वेज टाइप चैनल यहाँ पर क्रिएट हुआ है स्टॉक में, और कई बार इस लेवल से कई बार रिजेक्शन हमें मिल चुके हैं, और यहाँ से सपोर्ट लेवल था हमारा, वो सपोर्ट लेवल आज ब्रेक हो गया, और ब्रेक होते से ही आप देख सकते हो सपोर्ट लेवल ब्रेक होते से ही यहाँ से एक फॉल कंटिन्यू हो सकता है। तो कल के लिए भी यहाँ पर आप अगर हम देखें तो यहाँ पर आप नेगेटिव रह सकते हो, क्योंकि स्टॉक में गिरावट कंटिन्यू हो सकती है, बट कुछ सपोर्ट्स की हम बात कर लेते हैं। जैसे 106 रुपये का लेवल है जहाँ पर ये सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ सकता है, क्योंकि 106 रुपये के लेवल से पहले भी ये दो बार गिर चुका है, और यहाँ से ब्रेकआउट के बाद स्टॉक ने अच्छे हाइस लगाए हैं, तो हाईली चांसेस है कि यहाँ पर आप देखोगे तो 106 रुपये के लेवल पे ये शेयर सपोर्ट लेता हुआ नजर आ सकता है, और यहाँ से सपोर्ट लेके अगेन एक बढ़त हमें देखने को मिल सकती है। तो इस चीज़ का हम वेट करेंगे कि आगे क्या होता है, बट वही चीज़ अगर आप 2 आवर के टाइम फ्रेम पर देखें तो यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन से वो सपोर्ट लेवल्स हैं। जैसे यहाँ पर डे वन के टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें तो ये ट्रेड लाइन इंपॉर्टेंट है, तो 105 रुपये का लेवल भी एक सपोर्ट लेवल का काम कर सकता है। वो कैसे मैं आगे बताऊंगा। तो पहले तो यहाँ पर एक अप डाउनफॉल आया था, फिर उसके बाद ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट के बाद अच्छे रिटर्न हमने गेन किए, और ऊपर से इस पर्टिकुलर ट्रेड लाइन से रिजेक्शन आया, तो यहाँ पर आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि क्यों इतने इंपॉर्टेंट है ये लेवल्स। तो डे वन के टाइम फ्रेम पर अगर आप देखो काफ़ी टाइम तक यहाँ पर इसने कंसोलिडेशन किया था, कंसोलिडेट किया था, फिर उसके बाद 112 के लेवल से गिरावट आई, फिर 112 के लेवल से सीधा 111 के लेवल से गिरावट आई, फिर यहाँ पर आप देखोगे इस लेवल पर ही इसने रिजेक्शन लिया। अभी भी बात कर रहा हूँ, यहाँ पर एक ब्रेकआउट फेल हुआ था बट उसके बाद एक कंटिन्यू गिरावट आई, और अगेन यहाँ से इसने रिजेक्शन ले लिया है। नीचे से अगर आप देखोगे ऑलरेडी कई बार सपोर्ट इसने लिए हैं, तो अब देखना होगा स्टॉक या तो नीचे आएगा 105 के लेवल पर सपोर्ट लेने, या फिर यही से रिवर्सल भी लगा सकता है। बट आपको तभी पॉजिटिव रहना है जब 108 रुपये का लेवल ब्रेक होता है। ये मैंने कल भी कहा था, 108 रुपये का लेवल ब्रेक हुआ तो काफ़ी शानदार रिटर्न आपको मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम बात कर लें 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर स्टॉक में क्या देखने को मिलता है। 1 मंथ में यहाँ पर बिल्कुल एक प्रॉपर सिमेट्रिकल टाइप पैटर्न शेयर ने क्रिएट किया। यहाँ से स्टॉक नीचे की ओर आया और यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जा रहा है। ब्रेकआउट यहाँ पर हमें मिल चुका है। ब्रेकआउट के बाद अगर देखें तो स्टॉक में इस पर्टिकुलर ट्रेड लाइन से फॉल आ रहा है। ये ट्रेड लाइन अगर ब्रेक हो जाती है तो 140 का टारगेट इजी अचीव हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि इस स्टॉक की जो दे रहा है डिविडेंड, ट्रांसपीक इंडस्ट्रीज लिमिटेड की हम बात कर रहे हैं, कमोडिटी केमिकल सेक्टर का ये शेयर है। 2137.55 रुपीज़ का स्टॉक है। 30.50 रुपीज़ के राउंड अगर आप देखोगे स्टॉक में गिरावट है 1.41% के बेसिस पे। कंपनी की ओर से यहाँ पर देखा जाए तो 27.50 रुपये पर इक्विटी शेयर का फाइनल डिविडेंड दिया जा रहा है। 21 अगस्त 2023 से पहले बाय करोगे तो इसका बेनिफिट आपको होने वाला है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कोई भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन शेयर्स का एनालिसिस कर लेना। थैंक यू।